तो आप लोग आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस फाइनली न्यू कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की वीडियो आ चुकी है, क्योंकि न्यू कैरेक्टर आ चुका है ना, और इसका नाम है कैसी। हाँ पता नहीं कैसी है बट क्यूट है बाकी। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। तो गाइस सच में ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा यूजफुल है अगर इसको तुम सही से यूज करते हो और सही कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हो, जो कि मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ और भी कॉम्बिनेशन बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर को बफ किया है और बहुत सारे को कर दिया है। तो इसके हिसाब से मैं तुम्हें बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा अपडेट के बाद, जिसको तुम यूज करते हो तो तुम्हारा गेम प्ले बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा और तुम बहुत अच्छे से खेल पाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना एक परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के। तो चलो गाइस बिना कटाई के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस बढ़ते पहले कॉम्बिनेशन की तरफ। तो पहला कॉम्बिनेशन हम लोग इस न्यू कैरेक्टर के साथ ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे लोग ये कैरेक्टर को यूज करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल तुम इसको यूज कर सकते हो, बट एक दो चीज को तुम्हें ध्यान में रखना है। मैं तुम्हें इसका कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा, पहले ये दो चीज सुन लो। तो तुम्हें तो पता होगा ये कैरेक्टर करता क्या, ये अपने दोस्त से कनेक्ट कर सकते हो तुम, उसको भी एचपी मिलेगा, तुम्हें भी एचपी मिलेगा, हर एक सेकंड में 3 HP मिलेगा और 20 मीटर से ज्यादा जाओगे तो फिर ये टूट सकता है। तो हाँ ध्यान में रखना कि 20 मीटर के अंदर ही रहो। और एक चीज तुम्हें ध्यान में रखना वो ये कि तुम्हारे साथ एक टीममेट हो जो तुम्हारा बात सुने, या तुम्हारा कोई टीममेट हो जो तुम जिसके साथ डेली खेलते हो, तो ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर तुम्हारे साथ सच में एक बंदा है जो तुम्हारे साथ हमेशा खेलता है, तो तुम इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के तब जा सकते हो, जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। तो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तुम्हें ये कैसी यूज करना ही करना है क्योंकि इसका एक कॉम्बिनेशन है। और दूसरा कैरेक्टर जो यूज करना तुम्हें कैपेला। तुम्हें पता है इसका एबिलिटी अभी बहुत अच्छा हो चुका है, अगर तुम्हारे टीममेट का एचपी कम है तो उसके ऊपर फायर करोगे तो उसकी एचपी बढ़ती है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉर्ट रेंज की फाइट में। और एक चीज तुम्हें ध्यान में रखना जो कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, जो तुम अपने टीममेट को सजेस्ट कर सकते हो कॉम्बिनेशन में, बट फिलहाल के लिए तुम्हें कैपेला यूज करना है। दूसरा यूज करना है मुको। मुको क्यों यूज करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। मुको इसलिए यूज करना है जिससे तुम दोनों अलग अलग ना हो। तुम्हें तो पता है 20 मीटर से ज्यादा अलग हो गए तो ये जो कनेक्ट करके रखा है तुम्हें इस धागे ने, ये टूट सकता है। तो इसीलिए तुम्हें मुको यूज करना है। कोई एक बंदे ने भी एनिमीज को देखा, उसको एक डैमेज भी दिया, तो दोनों बंदे को पता चल जाएगा कि बंदा इधर है तो इधर ही जाएंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं जाएंगे। दोनों को पता रहेगा कि बंदा इधर है तो इधर ही जाना, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, और फिर ज्यादा दूर नहीं जाएंगे तो फिर ये कनेक्शन नहीं टूटेगा, मीन्स ये धागा नहीं टूटेगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर दोनों बंदे को पता रहेगा कि एक बंदा किधर या दो बंदे किधर है तो तुम एकदम इजिली उस बंदे को मार पाओगे। और ये मुको ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, बट इस कॉम्बिनेशन के साथ तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। तो एक बंदे को मुको यूज करना ही करना है, मैं बोलूंगा तुम मुको यूज करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और तीसरे स्लॉट में तुम्हें यूज करना है थीवा। थीवा दोनों को ही यूज करना, तुम्हें भी और तुम्हारे टीममेट को भी। थीवा यूज करने से क्या होगा पता है, तुम अपने टीममेट को फटाक से रिवाइव कर दोगे। और मैंने बोला ना कि एक ही बंदे की तुम्हें जरूरत है, ज्यादा बंदे की जरूरत भी नहीं है रैंक पुश करने के लिए, एक बंदे की जरूरत है। तुम एक बंदे के साथ ही रश करके खेलो, उसको फटाक से रिवाइव कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास थीवा कैरेक्टर है। तुम शॉर्ट रेंज में जाओगे, जो 3 सेकंड लगता है वो चुटकी में, एकदम चुटकी में तुम अपने टीममेट को रिवाइव कर पाओगे। शॉर्ट रेंज में तुम दो बंदे पूरी स्क्वाड को एकदम इजीली मार सकते हो इस कॉम्बिनेशन के साथ। बस तुम्हें आदत लगाने में एक दो गेम लगेगा, या फिर एक दो राउंड में भी तुम आदत लगा सकते हो अगर तुम्हारे बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो। इस कॉम्बिनेशन के तब जा सकते हो अगर तुम्हारे पास एक टीममेट है तो। अभी बिना बताए इसके दूसरे कॉम्बिनेशन के तब बढ़ते, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये वुंगकॉन्ग के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। वुंगकॉन्ग लो, लूना लो एंड हायतो, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है इस अपडेट के बाद, क्योंकि तुम्हें तो पता है वुंगकॉन्ग को बफ कर दिया। बफ मतलब क्या होता है, बफ मतलब होता है उसके एबिलिटी में कुछ ज्यादा ही बढ़ावती कर दिया है, जैसे कि उसका कूल डाउन टाइम अभी बहुत ज्यादा कम हो चुका है, उसी के साथ उसका जो स्किल ड्यूरेशन टाइम था, मीन्स पहले जितने देर तक तुम वुंगकॉन्ग बनते थे उससे ज्यादा देर तक अभी तुम वुंगकॉन्ग बन पाओगे। तो देरी किस बात की, इस कॉम्बिनेशन के तब भी तुम जा सकते हो अगर तुम्हारी खुद की स्क्वाड नहीं है तो। अगर तुम रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हो तो इस कॉम्बिनेशन के तब जा सकते हो, स्क्वाड है भी तो तुम इस कॉम्बिनेशन की तरफ जा सकती हो। तो गाइस अभी बढ़ते लास्ट कॉम्बिनेशन की तरफ, मींस तीसरे कॉम्बिनेशन की तरफ, जो कि सच में बहुत ज्यादा यूजफुल है रैंक के अंदर। तुम्हें यूज करना है स्काइलर, और स्काइलर के साथ यूज करना है मारो। मारो क्यों यूज करना है, क्योंकि हम लोग रैंक खेल रहे हैं और रैंक में लॉन्ग रेंज फाइट कॉमन होता है, ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है। और डीवी कैरेक्टर भी यूज करना है तुम्हें ये कॉम्बिनेशन के अंदर, और उसी के साथ लूना भी। डीवी इसलिए यूज करना क्योंकि हम लोग रैंक के अंदर जॉयस्टिक बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग एक्यूरेसी और मूवमेंट चाहिए, तो इसके लिए हम लोग डीवी कैरेक्टर यूज करेंगे। और रैंक के अंदर हमें हेडशॉट भी मारना है, रेट ऑफ फायर भी ज्यादा चाहिए। तो गाइस ये थे वन ऑफ द बेस्ट 3 कॉम्बिनेशन। आई होप तुम्हें इस कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन अच्छा लगा होगा। अगर तुम्हारे पास टीममेट है तो मैंने जो पहला कॉम्बिनेशन बताया उसकी तरफ जा सकते हो, अगर टीममेट नहीं है तो दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ जा सकते हो। अगर तुम रैंक खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो तुम जा सकते हो ये तीसरे कॉम्बिनेशन की तरफ। तो मैंने तुम्हें हर एक कॉम्बिनेशन तुम्हारे हिसाब से बता दिया, तो तुम जो चीज अच्छा खेलना पसंद करते हो, जो चीज ज्यादा खेलना पसंद करते हो, वो कॉम्बिनेशन की तरफ तुम जा सकते हो। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते सुनो में, तब तक बाय बाय एंड पीस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।